राज्यसभा चुनावों को लेकर चल रहा घमासान अपने पूरे चरम पर पहुंच गया। बाड़े में बंद कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही हैं। कांग्रेस के विधायकों को प्रलोभन देने के आरोप को सिरे से नकारते हुए बीजेपी ने अब कांग्रेस पर एलिफेंट ट्रेंडिंग का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर एलिफेंट ट्रेंडिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि घोड़े का जिक्र करने वाले राज्य में हाथी खरीदते हैं। पूनिया ने कहा कि वो लोग हम पर हॉर्स ट्रेंडिंग का आरोप लगाते हैं, जिन्होंने दो बार राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के सारे विधायक खरीद कर एलिफेंट ट्रेंडिंग की है। पूनिया ने कहा कि राज्यसभा चुनावों से पहले हर पार्टी अपने अपने वोटों को एकजुट करती है, लेकिन जिस तरह से इस बार सत्ताधार पार्टी में खौफ है, वह हैरान करने वाला है। उन्होंने दूसरे उम्मीदवार को उतारे जाने के लिए कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस कैंप में हलचल पैदा करने और सत्ताधारी पार्टी का असली चेहरा उजागर करने के लिए ही दूसरा प्रत्याशी उतारा था। वहीं पर्यवेक्षक मुरलीधर राव ने सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि अशोक गहलोत, अगर आपकी सरकार इतनी ही मजबूत और एकजुट है तो कांग्रेस के सभी विधायकों को जनता की इस मुसीबत के समय में 7-स्टार होटल में क्यों कैद कर रखा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जनता कोरोना से जूझ रही है तो वहीं आमदनी ना होने से परेशान और लाचार है। कांग्रेस के नेताओं और विधायकों को जनता की सेवा में रहना चाहिए था, किंतु ये लोग पिछले 7 दिनों से 7 सितारा होटल में मस्ती कर रहे हैं और ताश खेल रही हैं। यह मौज मस्ती राजस्थान के गरीबों को क्या दिलाने के लिए है, जरा बताएं।